भारतीय फिल्म जगत के खूबसूरत मर्दों में बेशुमार अभिनेताओं के नाम हैं, पर 70 और 80 के दशक की बात की जाए तो दो भाइयों का नाम सामने आता है जिन्होंने अपने अभिनय शैली से अनगिनत महिला दर्शकों का दिल जीता था। दो खूबसूरत भाइयों की बात सुनकर ही आपको अंदाजा आ गया होगा कि आज की कहानी मशहूर अभिनेता संजय खान पर है। दोस्तों, सभी को लगता है कि फिरोज खान ने संजय खान से पहले अभिनय क्षेत्र में कदम रखा था, पर ऐसा नहीं है। दरअसल संजय खान उम्र के लिहाजा फिरोज खान से छोटे थे, पर संजय ने ही सबसे पहले इस फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। अगर आप भी इस बात से अनजान थे तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। मैं हूं आपकी प्यारी अनामिका, स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। संजय खान की फिल्में जितनी रोमांचक और दिलचस्प हैं, वैसी ही उनकी जिंदगी भी बड़ी मज़ेदार और जोखिम से भरी है। तो चलिए उनके बचपन से लेकर आज तक की कहानी पर गौर करते हैं। शाह अब्बास खान उर्फ संजय खान का जन्म अफगानी पश्तून पठान परिवार में भारत के बैंगलोर शहर में हुआ था। वो तारीख थी 3 जनवरी 1941। उनके पिताजी का नाम सादिक अली खान तनौली और माताजी का नाम बीवी फातिमा बेगम था। उनका पूरा परिवार अफगानिस्तान के गजनी प्रांत से ताल्लुक रखता है, पर क्योंकि उनकी माँ ईरानी थी इसीलिए संजय खान को ईरानी पश्तून पठान भी कहते हैं। संजय जी को 5 भाई और 2 बहनें भी हैं, जिनमें फिरोज और अकबर खान ने भी फिल्म उद्योग में खूब नाम कमाया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज कपूर के खानदान से उनके नज़दीकी रिश्ते थे, इसीलिए ऐसा लगता है कि संजय खान भी फिल्म जगत से जुड़ गए। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब संजय मात्र 11 बरस के थे तब उन्होंने राज कपूर साहब की आवारा फिल्म देखी। इसे देख कर वो चकरा गए। एक पल में ही वो फिल्मों के दीवाने हो गए। दरअसल उनका परिवार उस जमाने में भी काफ़ी अमीर हुआ करता था और पिताजी ने सारे बच्चों को फिल्में ना देखने की नसीहत दी थी। उनका मानना था कि फिल्मों के कारण बच्चे बिगड़ते हैं, पर सारे बच्चों में से सिर्फ संजय खान का मन फिल्मों के लिए बड़ा मचलता था। एक दिन छुपकर अपने नौकर के साथ वो राज कपूर की आवारा फिल्म देखने गए। जैसे ही फिल्म शुरू हुई वैसे ही संजय खान कहने लगे, अरे ये जो पर्दे पर लोग दिख रहे हैं वो इतने बड़े क्यों हैं? क्या सच में पर्दे के पीछे राज कपूर है? छोटे संजय की बात सुनकर नौकर हंसने लगा। तुरंत ही वो व्यक्ति संजय को थिएटर के प्रोजेक्शन रूम में लेकर गए और वहां उन्हें दिखाया कि एक फिल्म कैसे पर्दे पर चलती है। इसे देख कर संजय खान चौंक गए। अगले पल में उन्होंने सोच लिया कि अब बस उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आकर एक्टर बनना है। एक्टर बनने की बात उनके दिमाग में बैठ गई और जब वो 15 साल के हो गए तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और मुंबई की ओर चल पड़े। उनके दिमाग में बस एक बात थी कि किसी भी हालत में उन्हें राज कपूर साहब से मिलना है। यहाँ आकर दिन बीतने लगे पर फिर भी राज कपूर से उनकी मुलाकात हो नहीं रही थी, इसीलिए घरेलू रिश्ते होने के चलते वो शशि कपूर से मिले और उनसे गुजारिश करने लगे। फिर एक दिन वो घड़ी आ गई, पर वो दिन होली का था। आप जानते ही हो कि आर के स्टूडियो में होली और श्री गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन हुआ यूं कि सब भांग पी रहे थे, किसी ने संजय खान को भी भांग पिला दी। इस कारण से उन्हें भांग का नशा चढ़ गया और आर के स्टूडियो में सबको पूछने लगे कि उनकी स्पोर्ट्स कार कहाँ है। सभी लोग सोचने लगे कि ये भाई साहब कौन से कार की बात कर रहे हैं। कुछ समय के बाद नशा उतरा और संजय खान को शर्मिंदगी महसूस करने लगे। उनका मन बड़ा दुखी हुआ। वो सोचने लगे कि जिस इंसान को वो अपना गुरु मानते हैं उनके ही सामने संजय ने ये बर्ताव किया। इसके बाद संजय खान भांग जैसी चीजों से हमेशा दूर रहे। कुछ दिन के बाद उनकी जान पहचान बढ़ी, पर फिर भी उन्हें कहीं एक्टर बनने का मौका मिला नहीं। इसी बीच फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक शशादर मुखर्जी साहब ने फिरोज खान को कहीं देख लिया। उन्होंने तुरंत अपने लोगों से कहा कि ये लड़का जहां भी दिखे उसे मेरे पास लेकर आओ। किसी ने उन्हें बताया कि इनका छोटा भाई हमारे यहीं है,
तो इस तरह संजय खान को बताया गया कि उनके बड़े भाई को हमारे डायरेक्टर फिल्मों में लेना चाहते हैं। संजय खान बड़े खुश हुए। तुरंत ही उन्होंने अपनी माता जी को ये बात कही। फिर सबने फिरोज खान से कहा कि अब तुम हीरो बनोगे। ये सुनकर फिरोज खान साहब बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि कहां तुम लोग इंजीनियर बनने वाले इंसान को फिल्मों में घुसा रहे हो। दरअसल उस दौरान वो इंजीनियर बनने जर्मनी जा रहे थे। वो जर्मनी तो पहुंचे नहीं, पर जबरदस्ती उन्हें मुंबई लाया गया। यहां आकर वो संजय खान के साथ मुंबई के जुहू इलाके में रहने लगे। बड़े भाई का फिल्मी सफर तो शुरू हुआ, पर संजय अब भी परेशान ही थे। इसी दौरान हॉलीवुड के प्रोडक्शन अंतर्गत बन रही फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का मौका मिला और यहीं से उनका फिल्मी सफर भी शुरू हुआ। इस फिल्म में उनके बड़े भाई भी अभिनय कर रहे थे। इंटरनेशनल डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद उनका नाम बनने लगा। एक दिन किसी इंसान से उनकी मुलाकात हुई। जुहू बीच पर वो इंसान अक्सर अपने कुत्ते को लेकर सैर पर निकलते थे। वही उनकी मुलाकात संजय खान से हुई। एक दिन वो इंसान संजय के घर आए और उनसे कहने लगे कि मेरी गाड़ी को धक्का दे दो। संजय खान चुपचाप उनकी गाड़ी को धक्का देने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी, पर वो इंसान हर दिन संजय से अपनी गाड़ी को धक्का दिलवाते रहे। पर संजय खान दिल और दिमाग के बड़े शांत थे। इस बात पर वो ना ही गुस्सा करते थे और ना ही कोई सवाल पूछते थे। यहाँ तक संजय खान को पता ही नहीं था कि जिस इंसान की गाड़ी को वो धक्का देते रहे, वो मशहूर डायरेक्टर सत्येन बोस हैं। हर दिन की तरह वो एक दिन संजय खान के घर आए, दरवाज़ा खुला और संजय बोले, चलो आपकी गाड़ी को धक्का दे देता हूँ। ये सुनकर सत्येन बोस बोले, अब हम तुम्हारे करियर को धक्का देगा। उस दौर में सत्येन साहब राजश्री प्रोडक्शन के साथ फिल्म बना रहे थे दोस्ती। संजय खान को लगा कि सत्येन उन्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं, पर सत्येन बोस ने उन्हें बतौर अभिनेता साइन कर दिया। इस फिल्म के रिलीज के बाद जो हुआ, वो फिल्म जगत का बच्चा बच्चा जानता है। दोस्ती फिल्म ने भारत में तहलका मचा दिया और फिल्म के गानों के साथ संजय खान की खूबसूरती देख सभी लोग दीवाने हो गए। यहाँ आपको बता दूं कि वो सत्येन बोस ही हैं जिन्होंने इस मुस्लिम एक्टर को संजय ये हिंदू नाम दिया। इस फिल्म के बाद संजय खान ने अगले 6 महीनों में 100 फिल्में साइन किए, जो उस जमाने का रिकॉर्ड था। पर हुआ यूं कि उन्हें एहसास होने लगा कि जिन फिल्मों को उन्होंने साइन किया है वो आगे चलकर फ्लॉप भी हो सकती हैं, क्योंकि फिरोज खान ने कुछ बी ग्रेड फिल्में की थी जो आगे चलकर फ्लॉप रही। इसे देखते हुए उन्होंने 100 में से 50 फिल्में कैंसिल की। 1971 की मेला फिल्म के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा अभिनेता प्राण को संजय खान के भाई के किरदार में लेना चाहते थे, पर संजय ने डायरेक्टर से कहा कि प्राण साहब उनके बड़े भाई नहीं बाप लगते हैं, इसीलिए फिरोज खान को ही ये किरदार मिलना चाहिए। वैसे भी वो मेरे बड़े भाई ही हैं। आगे चलकर संजय खान और फिरोज खान, इन दोनों के सिक्के फिल्म जगत में खूब चले। 10 लाख, 1 फूल 2 माली, इंतकाम, धुंध, उपासना, मेला, नागिन, चांदी सोना, अब्दुल्ला, ये कुछ फिल्मों के नाम हैं जिनमें संजय खान का किरदार बड़ा हिट रहा। संजय खान की कहानी हमने इस अंदाज में पेश की है जिसमें अभिनेत्री जीनत अमान के साथ उनके रिश्ते की बात नहीं बताई गई है। हमने कोशिश की है कि इस अभिनेता को उनके फिल्मी ढंग से ही परिचित किया जाए, क्योंकि कंट्रोवर्सी के अलावा भी ऐसी कहानियां हैं जिनमें संजय खान ने डटकर मुकाबला किया है। अगले वीडियो में जानेंगे कि संजय खान का टेलीविजन जगत के साथ सफर कैसा था। उस एक्सीडेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसमें वो 65% जल गए थे। उस दौरान श्री राजीव गांधी ने उन्हें मदद की थी। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों संजय खान ने फिल्मों को छोड़ सिर्फ टेलीविजन पर फोकस किया। उनका परिवार और अन्य अभिनेताओं के साथ उनके रिश्ते के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी
ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।